हेलो फ्रेंड्स, उन्नति कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्पोर्ट्स हमारे एग्ज़ाम में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके एग्ज़ाम में जो जीएस का सेक्शन होता है, वहां पर आपको स्पोर्ट्स से संबंधित एक से दो क्वेश्चंस आपको वहां पर देखने को पक्का मिलते हैं। ए टू जेड जो भी एग्ज़ाम आप देते हों, चाहे आप डेडिकेटेड किसी स्टेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या फिर आप ऑल ओवर इंडिया में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं आप उसकी तैयारी क्यों ना करते हों, तो वहाँ पर भी आपसे स्पोर्ट्स में एक से दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। चाहे आप एसएससी के एस्पिरेंट हों, यूपीएससी के एस्पिरेंट हों या फिर यूपीपीएससी की तैयारी, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कोई भी स्टेट क्यों ना हो, वहाँ के पर एक ना एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पक्का पूछेगा। इसलिए खेल कूद बहुत इम्पोर्टेंट है। तो लुसेंट जी के बुक को अगर आपने अब तक परचेज नहीं करा है तो परचेज कर लीजिए, और जिसने परचेज कर लिया है उनसे मैं उम्मीद करता हूँ, ऐसी आशा करता हूँ कि उन्होंने सभी वीडियो इस लुसेंट बुक के देख लिए होंगे और अपनी बुक को हाईलाइट कर लिया होगा। तो इस बुक को अगेन अपने पास में रखिए, एक हाइलाइटर या कोई एक पेन अपने पास में रखिए और अंडरलाइन करते चलते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले के जो भी टॉपिक थे वो हमने पार्ट वन में कंप्लीट करे, ये है इसका पार्ट टू। ठीक है, तो पार्ट टू में आपको ओपन करिए 531 पेजेस, या डायरेक्ट अपने कंटेंट्स जो आपकी विषय सूची होती है बुक में उसमें देखिए खेल कूद कहाँ पर है। उसमें आपका 5 पॉइंट मिलेगा आपको, विभिन्न खेल तथा उनसे संबंध जो है प्रमुख कप और ट्रॉफियाँ कौन कौन सी है। तो देखिए एग्जाम में क्या होता है, आपसे कप से संबंधित एक क्वेश्चन आपको देगा, वहाँ पर पूछेगा कि इस कप का संबंध किस खेल से है। जैसे रंगल स्वामी कप का संबंध किस खेल से है, कुछ इस तरह से ही क्वेश्चन वो आपके सामने एग्जाम में आपके सामने ये प्रेजेंट करेगा। तो ठीक है, अब हमको याद करने हैं कप का नाम क्या है और वो किस खेल से संबंधित है। तो इसमें केवल इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही येलो से हाईलाइट कर रखे हैं, आपको वही पॉइंट केवल याद करने हैं। ठीक है, चाहे आप ग्रेड डी की तैयारी कर रहे हो, आप 8th क्लास का वही एग्ज़ाम फिल करते हो, या फिर आप 10th का जैसे कि MTS का या फिर LDC का देते हो एग्ज़ाम, या ऐसे सीजर का दे रहे हो एग्ज़ाम, या फिर किसी PCS का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो वहाँ पे आपको बस केवल इतने इतने ही फैक्ट और इतने इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं आपसे बात करता हूँ कि रंगा स्वामी कप और आगा खा कप जो संबंधित है वो है हॉकी से, और फुटबॉल से संबंधित कौन कौन से खेल संबंधित है, ये है आपका डूरंड कप, रॉबर्ट्स कप, संतोष ट्रॉफी 1, 2, 3, ये तीनों कप आपको याद रखने हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, ये है डूरंड कप, रॉबर्ट्स कप, संतोष ट्रॉफी, इन सभी जो ट्रॉफी का, इन सभी कप का जो संबंध है वो है आपका फुटबॉल से। रणजी ट्रॉफी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो रणजी ट्रॉफी का जो संबंध है वो है क्रिकेट से, और उसके बाद हम बात करेंगे गोल्फ के बारे में। तो गोल्फ से संबंधित कौन कौन सी ट्रॉफी होती है, एक होती है बाकर कप, सर्किट कप और राइडर कप। ठीक है, ये तीन कप किससे संबंधित है, ये हैं गोल्फ से। तो इसलिए चुनिंदा कुछ सिलेक्टेड कुछ कप हैं जो आपको टिप्स पे याद होने चाहिए, अगर कोई सपने में भी आपसे पूछे तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से वीडियो को अभी पॉज कर लीजिए, अदरवाइज बुक में जैसे आप हाईलाइट कर रहे हैं, जैसे ही वीडियो खत्म होगा उसके बाद में इस वीडियो को एक बार और वॉच करना, बस दो बार वॉच करना, एक बार अभी और एक बार अगेन, उसके अलावा आपने तीसरी बार दोबारा इस चैनल पर, सॉरी चैनल पर नहीं, इस प्लेलिस्ट में आपको नहीं झांकना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि प्रसिद्ध खेल मैदान और उनसे संबंधित खेल कौन कौन से हैं। तो खेल के मैदान मतलब स्टेडियम, इस स्टेडियम का संबंध कौन से खेल से है और किस जगह पर ये है। ठीक है, जैसे आपसे बोलते हैं वानखेड़े स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम बहुत ही फेमस स्टेडियम है, इसमें मैक्सिमम क्रिकेट खेला जाता है, और क्रिकेट जो खेला जाता है ये कहाँ पर है, ये है स्टेडियम मुंबई में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम जो इंडिया में क्रिकेट कंडक्ट अगर होगा तो वो कहाँ पे होगा, मुंबई में ही होता है, क्योंकि ये स्टेडियम की जो क्रिकेट की जो पिच है, जो मैदान है, जो स्पेस है, लोगों की गैदरिंग यहाँ पे अच्छी होती है, इसका सीटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, तो सीटें भी काफ़ी कंफर्टेबल वगैरह होती हैं। तो ये वानखेड़े स्टेडियम जो है क्रिकेट खेल से संबंधित है और मुंबई से, शायद आप लोग काफ़ी बार वहाँ पे गए भी होंगे, अगर आपको क्रिकेट में काफ़ी इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा आपकी रुचि होती है, तो आपने शायद टिकट ब्लैक में भी ली होगी, क्योंकि मैं भी एक दो बार गया हूँ, तो काफ़ी मतलब अच्छा क्राउड मिलता है यहाँ पे लोगों को देखने का, मतलब अच्छा स्टेडियम प्रॉपर वेल मेंटेन कर रखा है, इंफ्रा काफ़ी अच्छा है इसका, तो
तो आप देखना कभी अगर आपको मौका मिले जाने का वहाँ पर, लेकिन जॉब के बाद, ठीक है, अंडरलाइन जॉब के बाद, पहले पढ़ो उसके बाद में अपनी सैलरी से जाओ, एंजॉय करो। फिर सेकंड है आपका इंडियन गार्डन। इंडियन गार्डन ये भी खेल से संबंधित है, किससे, क्रिकेट से, और ये कहाँ पर है, ये है आपका कलकत्ता में। और अम्बेडकर स्टेडियम फुटबॉल खेल से संबंधित है, ये है दिल्ली में, तो ये भी मतलब कि काफ़ी अच्छा स्टेडियम है दिल्ली में, हमारी दिल्ली में भी आखिरकार, तो ये भी देखा हुआ है, लेकिन आप भी ठीक है देखेंगे एक टाइम, सही आएगा आपका। तो मैक्सिमम जो है आपका फेमस है वानखेड़े स्टेडियम। तो और यहाँ पर आपका सैडी लॉज गोल्फ से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आपसे फॉरेस्ट हिल के बारे में। देखिए फॉरेस्ट हिल एक्चुअली एक खेल का मैदान है, उसका नाम है, ठीक है। तो ये किस खेल से संबंधित है, यहाँ पे कौन सा खेल खेला जाता है, तो ये खेला जाता है टेनिस, और ये कहाँ पर है, ये है आपका न्यूयॉर्क में, ठीक है, याद रहेगा आपका न्यूयॉर्क में, काफ़ी फेमस है ये। तो यहाँ पे कभी भी आपसे ये पूछ लेता है कि आपका ये फुटबॉल संबंधित, ठीक है ना, फुटबॉल खेल कौन से स्टेडियम में सबसे ज़्यादा खेला जाता है, तो वहाँ पे आपको चार ऑप्शन देगा, अम्बेडकर स्टेडियम, ठीक है, नेशनल स्टेडियम, या फिर आपको दे देगा आपको दे देगा वानखेड़े स्टेडियम, या फिर इंडियन गार्डन। तो आपको बस यहाँ पे जो भी आप पढ़ते हैं ना, कोई भी अगर वीडियो वॉच कर रहे हैं, आपको हर तरह से आपको स्टडी करना आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपसे केवल स्टेडियम का नाम दे देगा, ये कहाँ पर स्थित है ये पूछेगा, कभी कभी आपसे वो खेल के नाम भी दे सकता है, ये खेल अधिकांश कौन से स्टेडियम में खेला जाता है, कुछ क्वेश्चन इस तरह से बन जाते हैं कभी कभी। तो वहाँ पर लगता है ये कि यार उस बुक में से कुछ नहीं आया, बेकार था यार वो वीडियो, बेकार है बुक, पूरी लूसेंट बुक ही ख़राब है, लेकिन एक्चुअली बुक ख़राब नहीं, हमारा पढ़ने का जो तरीका होता है वो ख़राब होता है। तो हर तरह से क्वेश्चंस आपके माइंड में आपको बनाना आना चाहिए। अगर ऐसे नहीं पूछा, अगर ऐसे पूछा तो मैं कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो जाऊंगा, तो वहाँ पे वो यही करता है एग्जामिनर जो पेपर सेट करता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं और अपना रॉन्ग आंसर लगा के आप आ जाएं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। हर तरह से क्वेश्चन आप पढ़ के देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि आपका सांड जो युद्ध होता है वो किस देश से संबंधित है, स्पेन से, या फिर स्पेन का राष्ट्रीय खेल का नाम बताइए कौन सा है, ठीक है, दोनों क्वेश्चन बन गए एक ही लाइन से। तो यही चीज़ आपको अपने अंदर इम्प्रूव करनी है, डेवलप करनी है, ये स्किल्स जिस दिन आपके अंदर आ गया उस दिन ऑटोमेटिक आपका सिलेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। और एक टाइम एक्चुअली ऐसा भी आता है, आपने देखा होगा आपके कई फ्रेंड वगैरह होते हैं, तो जैसे वो फॉर्म वगैरह भरते हैं तो क्या होता है कि वो एक जगह ज्वाइनिंग ले लेते हैं, तभी तुरंत उनका दूसरी जगह सिलेक्शन हो जाता है, अब वो कन्फ्यूज होते हैं कि मैं कहाँ पर सिलेक्शन लूँ। तो ये स्किल्स डेवलप होगी आपकी, थोड़ा पेशेंस रखिए। उसके बाद में आपसे बात करता हूँ भारत के बारे में, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी है, और इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, क्रिकेट है। बात करें हम लोग भारत की, भारत का एक्चुअली हॉकी तो है, लेकिन मैक्सिमम जो देखा जाता है भारत में जो क्रेज है वो है किसका, क्रिकेट का। आपने मूवी देखी होगी चक दे इंडिया, अगर नहीं देखी है तो पार्ट वन में मैंने आपको कहा था कि आप देखिए मूवी दंगल, लेकिन इस पार्ट टू में खेलकूद में मैं आपसे कहना चाहूंगा आप देखिए मूवी चक दे इंडिया, शाहरुख खान की मूवी है, डेडिकेशन काफ़ी अच्छा दिखाया गया है। कभी कभी इस तरह से मूवी देखा करिए, संडे को एक डे डिसाइड कर लीजिए, एक मूवी देखनी है, खुद को अप्रिसिएट करना है, मोटिवेट करना है इस तरह की मूवी देख करके। तो फिलहाल मैं बढ़ता हूँ आगे, मूवी वूवी बहुत हो गया, फिलहाल एग्जाम जब सर पे होता है ना मूवी नज़र नहीं आती, केवल एडमिट कार्ड, डेट और एग्जाम सेंटर कहाँ पड़ा है वो नज़र आता है, और वो चीज़ सही भी है। विभिन्न खेलों के खेल परिसर कौन कौन से हैं, तो ये है आपका डायमंड जो परिसर है वो किस खेल से संबंधित है, जैसे स्टेडियम जो परिसर जो संबंधित था कौन से खेल से है, उसी प्रकार से एक परिसर होता है, एक मैदान होता है सिंपल, आप इस पर ये डायमंड बेसबॉल से, मैट जूडो कराटे और ताई क्वाडो से, ठीक है, ये खेल होते हैं दोनों, तो इससे संबंधित है। मैट आपको पता होगा दंगल, अगर आपने पार्ट वन में मेरी बात सुनी होगी, दंगल मूवी देखी होगी, तो उसमें मैट आता है, मैट बड़ा महंगा आता है, तो ये परिसर का नाम क्या होता है, मैट होता है। जैसे क्रिकेट में बोलते हैं ना पिच, या पिच काफी गीली हो गई क्रिकेट नहीं खेला जाएगा, तो पिच मतलब जिस क्षेत्रफल पे वो गेम खेला जाएगा, होता पूरा मैदान है लेकिन मेन जो मेन मोटो होता है जिसपे एग्जाम जिसमें मतलब कि गेम खेला जाता है वो होती है पिच। तो ये क्रिकेट और रग्बी दोनों का परिसर का क्या नाम है, ये है पिच। और घुड़सवारी के परिसर को किस नाम से जाना जाता है, पुकारा जाता है, क्या संज्ञा दी गई है, वो है एरिना। और रिंग, रिंग है आपका स्केटिंग और मुक्केबाजी से, याद रहेगा बिल्कुल रहेगा। अब देखिए इसमें कौन कौन से खेल में जो है कितने खिलाड़ी की संख्या होती है, क्रिकेट के बारे में आपको पता होगा, आई होप आपको क्रिकेट के बारे में पता होगा, तो इसके बारे में मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूंगा, लेकिन आप याद रखिएगा ये हॉकी फुटबॉल और क्रिकेट इन तीनों गेम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, ये होती है 11। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 9, रग्बी फुटबॉल में 15, पोलो में 4, वाटर पोलो में 7, खो खो में 9। खो खो की आपको पता होगा, अपने स्कूल में खो खो खेला होगा या गली मोहल्ले में आपने खेला होगा तो वहां पे आपको ये पता होगा, तो आप इसको याद मत करना। कबड्डी में होती है 7, कबड्डी भी शायद आपने खेला होगा,
मतलब खो खो और कबड्डी और ये कंचे वंचे गिल्ली डंडा तो कॉमन से गेम होते हैं, तो अधिकतर बच्चे खेलते खेलते हैं ठीक है। अधिकतर मतलब अगर मैं खेला है खो खो कबड्डी तो इसको याद मत करना, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट ये कंप्लीट था, इसको मैंने कंप्लीट ही हाईलाइट कर रखा है, इसमें कुछ भी मैं स्किप नहीं कराना चाहता। अब हम बात करते हैं, फिलहाल आगे मैं बढ़ता हूँ, खेल से संबंधित पुरस्कार कौन कौन से हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पुरस्कार होता है वो होता है आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसका प्रारंभ कब हुआ? 91 से 92 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी इस खेल की, इसकी पुरस्कार की। और इसमें कितना अमाउंट पुरस्कृत किया जाता है, तो जीतने वाले को कितनी राशि प्राप्त होती है, तो ये होती है 7.5 लाख। जी हाँ, स्टेट पीसीएस के एग्जाम में पेपर 1 में ये अमाउंट पूछा गया है, कितना अमाउंट मिलता है, तो इसलिए अमाउंट भी आपको याद करना ही करना पड़ेगा जीएस पेपर 1 में ठीक है। यह पुरस्कार सबसे पहले किसने प्रदान करा था? तो ये करा था विश्वनाथन आनंद ने। और इनका संबंध कौन से खेल से है ये आप मुझे भेजेंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके ठीक है। ये काफी अच्छा क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछा है, आई होप आपको पता होगा। चलिए मैं एक काम करता हूँ, इस गेम की स्टार्टिंग का जो अल्फाबेट है वो मैं आपको हिंट में दे देता हूँ। स्टार्टिंग का अल्फाबेट है आपका सी, सी फॉर चेन्नई। सी से ये गेम जो ये खेलते हैं तो ये इससे संबंधित है, समझ गए? चलिए आई होप आप मुझे कमेंट बॉक्स में पक्का लिख कर भेजेंगे इसका राइट आंसर। हो सके तो अभी वीडियो को पॉज कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अभी इसका आंसर लिख कर भेज दीजिए मुझको। अर्जुन पुरस्कार, इसे 1961 में प्रारंभ किया गया था और इसमें 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। द्रोणाचार्य, देखिए जो भी आपके महाभारत से संबंधित, अर्जुन द्रोणाचार्य, तो इस प्रकार महाभारत में एक्चुअली एक खेल ही हुआ था, तो आप इससे समझिए कि महाभारत से जो भी पात्र थे उसके, तो उन सबसे संबंधित जो भी पुरस्कार रखा गया उसका संबंध है खेल से। कभी कभी आपसे पूछ लेते अर्जुन पुरस्कार कौन किस क्षेत्र से संबंधित है, वहां पे आपको बोलेगा वीरता से संबंधित, खेल से संबंधित, या फिर राजनीति क्षेत्र में काफी उत्कृष्ट भूमिका निभाने से संबंधित, या फिर साइंस के क्षेत्र से संबंधित दिया जाने वाला पुरस्कार है ये। तो वहां पर इस तरह से क्वेश्चन सबसे पूछ लेते हैं, तो अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है, ये है आपका खेल से। और इसमें कौन सी राशि प्राप्त होती है? इसमें 5 लाख की राशि जीतने वाले को प्रदान की जाती है। इसका प्रारंभ हुआ था 1961 से। फिर हम बात करते हैं द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य कौन थे? वो गुरु थे किसके? पूरे पांडवों के। पांडवों के गुरु का नाम क्या था? द्रोणाचार्य। तो ये मिलता है कोच को, कोच क्या होता है? गुरु, याद रहेगा इस तरह से आपको। तो ये कोच जो फेमस जो कोच होते हैं जो काफी मेहनत करते हैं, तो उनको मिलता है ये सम्मान। और इसकी स्टार्टिंग कब से हुई थी? इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1985 में। अब हम बात करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में विजेता और अन्य प्रशिक्षकों को विशेष पुरस्कार। देखिए खेल का नाम है ओलंपिक खेल, प्रथम पुरस्कार जो प्राप्त करता है उसे कितनी राशि मिलती है? 50 लाख रुपए लाइफ सेट। जी हाँ, लाइफ सेट, एफडी करो आराम से, इंटरेस्ट खाओ इसका बैठ करके। लेकिन नहीं, रुक गए, तो समझिए फिर रुक गए, इसलिए कोई भी खिलाड़ी होता है रुकता नहीं है, तो आपको भी नहीं रुकना है, चलिए बढ़ना है फिर आगे। द्वितीय स्थान रजत पदक जो प्राप्त करता है, सेकंड जो पोजीशन होती है उसको मिलता है कौन सा पुरस्कार? अभी मैंने आपको बताया था, शायद पार्ट 1 में मैंने आपको डिस्कस करा था। तो सेकंड पोजीशन जो आता है उसको कौन सा पुरस्कार मिलता है? स्वर्ण पदक, रजत या फिर कांस्य? तो रजत और कांस्य में बच्चों को काफी कंफ्यूजन रहती है। स्वर्ण तो पता है सोने का नंबर 1 पे आएगा, उसको मिलेगा स्वर्ण पदक। लेकिन आपसे पूछेगा कभी कभी एग्जाम में, जैसे कि एक बार पोस्ट ऑफिस का एग्जाम हुआ था, पोस्टमैन का एग्जाम हुआ था, वहां ये पूछा गया था कि रजत पदक किस खिलाड़ी को प्राप्त होता है? प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को, सेकंड स्थान, द्वितीय स्थान या फिर फोर्थ स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को। तो यहाँ पर अधिकांश बच्चों का यहीं पे गलत हो जाता है कि सेकंड पोजीशन या फिर थर्ड पोजीशन, याद रहेगा आपको सेकंड रैंक पे जो भी खिलाड़ी आएगा उसको मिलेगा रजत पदक, और थर्ड नंबर पे जो भी खिलाड़ी जीतेगा उसको मिलेगा कांस्य पदक। राशि देखिए कम हो रही है, 50 लाख, 30 लाख, 20 लाख ठीक है। ओलंपिक फर्स्ट नंबर 50 लाख, सेकंड नंबर 30 लाख, थर्ड नंबर पे जो आएगा उसको मिलेगा 20 लाख। एशियाई खेल राष्ट्रमंडल खेल का जो राशि मिलती है वो मिलती है 20 लाख, 10 लाख, 6 लाख। सबसे हाईएस्ट जो राशि मिलती है वो मिलती है ओलंपिक खेल में ठीक है। ये आप राशि याद रखना सबके सब, और एक भी इसमें आपको स्किप नहीं करना है, राशि आपको याद करनी करनी पड़ेगी। उसके बाद जो आप देख रहे हैं कि स्टार लगा करके बात आपसे कह रहा है कि अक्टूबर 2010 में राष्ट्रमंडल खेल 2010 तथा एशियाई खेल 2010 के पदक विजेताओं की पुरस्कार राशि दोगुनी कर दी, डबल राशि कर दी पुरस्कार विजेताओं की ठीक है। पहले राशि ये कम थी, लेकिन अब राशि कितनी है? 50 लाख, 30 लाख और 20 लाख।
अब हम बात करते हैं, देखिए प्रतियोगिता और मानसिक जो पेंशन मिलती है जो रिटायर्ड हो जाते हैं बाद में वो लोग, तो उनको मिलती है पैरा ओलंपिक की, आप याद करिएगा काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप ओलंपिक खेलों में पदक विजेता प्राप्त करने वाले को जो मासिक पेंशन मिलती है वो होती है 10,000 रुपये महीना, मात्र 10,000 रुपये महीना। और उसके बाद जो पैरा ओलंपिक खेल होती है स्वर्ण रजत पदक, तो उनको मिलती है 5,000, 4,000 और 3,000 रुपये मात्र। खिलाड़ी कितनी मेहनत करते हैं इसके बारे में शायद आपको आइडिया नहीं होगा, दिन रात एक करते हैं वो लोग, खून पसीना एक बहा देते हैं, डाइट पे अपना ध्यान रखते हैं, दौड़ लगाते हैं खूब, फिजिक्स का ध्यान रखते हैं, चोट भी बहुत लगती है कुश्ती में, क्रिकेट में, कोई भी गेम खेला हो हड्डी भी क्रैक होती है। उसके बाद में मानसिक मासिक जो पेंशन मिलती है वो मिलती है मात्र इतनी। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही, और ये खेल कूद पार्ट वन और पार्ट टू के साथ में कंप्लीट होता है, उसके बाद में स्टार्ट होगा कंप्यूटर, ये मैं कुछ समय बाद कंप्लीट करूंगा। फिलहाल मेन था आपका खेल वाला टॉपिक जरूरी था समाप्त करना, तो वो यहीं पे समाप्त होता है। और प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। देखिए अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है लेकिन बेल आइकन पे क्लिक नहीं करा है तो आपको इस चैनल का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, तो आपने सब्सक्राइब करिए अगेन, बेल आइकन पे क्लिक करिए। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, और आपके जो भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करने में कंजूसी ना करें, खूब शेयर करें, ठीक है। और जितने भी फ्रेंड आपके हैं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक भी, उनको भी बोलिए कि वो लोग भी शेयर करें, क्योंकि ये एक्चुअली वीडियो अगर व्यू कम प्राप्त करेगा तो ये एक्चुअली उन बच्चों तक नहीं पहुंच पाएगा वीडियो जिनको इनकी आवश्यकता होगी। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो लोग मार्केट में जाके परचेज नहीं कर सकते बुक, या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ऑलरेडी बहुत सारी बुक का ढेर लगा चुके होते हैं, उनके अंदर नई बुक परचेज करने की हिम्मत ही नहीं होती। एक्चुअली पैसा ही नहीं होता तो हिम्मत कहाँ से आएगी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, और आप चैनल को कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं पेटीएम के माध्यम से, पेटीएम नंबर आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो पेटीएम नंबर पेटीएम के लिए है, कॉल के लिए नहीं है, आप प्लीज़ उसमें कॉल मत करिएगा। आप मुझे SMS ड्रॉप कर सकते हैं उस नंबर पे, कोई भी आपका डाउट हो, लेकिन डाउट जेन्युइन होना चाहिए। आपका डाउट ये नहीं होना चाहिए सर जियो का कौन सा नेटवर्क बेस्ट है, काफ़ी बच्चे इस तरह के मैसेज भी कर रहे हैं, तो ये वाहियत मैसेज है, ऐसे नंबर को मैं हैंड टू हैंड ब्लॉक कर देता हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ मुझे ब्लॉक करना पड़ता है, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं आपको जियो का ऑफर नेट पे सर्च मार के आपको बताऊं कि कौन सा ऑफर चल रहा है बेस्ट। जी हाँ, एक स्टूडेंट ने ऐसा मजाक मेरे साथ करा है, तो ठीक है। आई होप आप सीरियस स्टूडेंट होंगे, आप ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन कॉन्ट्रीब्यूट आप एक ही केस में करेंगे, अगर आप अर्नर हैं तो, अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो आप कॉन्ट्रीब्यूट चैनल पर कर सकते हैं। अगर आप केवल एक PG वगैरह में रहते हैं सिंपल से, ठीक है ना, और हाथ बहुत टाइट है, फैमिली से आप पैसा मांगते हैं और यहाँ आप मुझे डोनेट करेंगे, तो ऐसी गलती प्लीज़ मत करिएगा, ठीक है। तो काफ़ी स्टूडेंट होते हैं कि सर हम आपको कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं 500 रुपये, 1,000 रुपये, हम PG में रहते हैं, 3-4 दोस्त मिलकर हम आपको शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मत करिए। पहले अपनी जॉब लीजिए, उसके बाद में जॉब से जो सैलरी आएगी उसके बाद में सोचना देने की, नहीं दोगे तो भी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ये पेटीएम नंबर उनके लिए जो केवल वर्किंग है, चाहे वो प्राइवेट जॉब ही क्यों ना करते हैं, ठीक। चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, ध्यान से पढ़िए। अगेन कहना चाहूँगा बुक परचेज नहीं करिए तो मार्केट से बुक को परचेज कर लीजिए।